हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को जब उत्तेजित किया जाता है तो वो कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। देखिए कैसे, ये एक n इज इक्वल टू 1 ऊर्जा स्तर है जहाँ पर ऊर्जा है EN1 और ये एक दूसरा ऊर्जा स्तर है EN2 वाला। इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर वो निम्न ऊर्जा स्तर में था और जैसा कि आपको बताया जब इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर के किधर चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और यहां पर वो 10^-8 सेकंड रुकेगा। उसके बाद में खुद में से ऊर्जा को उत्सर्जित करते हुए वापस किधर चला जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में चला आएगा। ये जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है बच्चों वो होगी फोटोन के रूप में और यह प्रक्रिया है वो बार बार चलती रहेगी। और इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में होगा उसको उत्तेजित करेंगे, वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, 10^-8 सेकंड रुकेगा और हर बार खुद में से फोटोन उत्सर्जित करते हुए वो निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौट जाएगा। और बच्चों ये जो फोटोनों के उत्सर्जन के कारण जो हाइड्रोजन का हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है और उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को हमने 5 श्रेणियों में डिवाइड किया है। जो सबसे पहली श्रेणी है बच्चों वो है लाइमन श्रेणी, सबसे पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी और दूसरी होती है बाम्मर श्रेणी और उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरी पाश्चन और चौथी है बच्चों ब्रैकेट श्रेणी और अंतिम है बच्चों फुंड श्रेणी। इस तरीके से हमने स्पेक्ट्रमी रेखाओं को इन 5 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया। अब जब लाइमन श्रेणी की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइमन श्रेणी का अर्थ यह है कि जब हाइड्रोजन परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो जो स्पेक्ट्रमी रेखा की हमें श्रेणी मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, लाइमन श्रेणी कहेंगे। लाइमन श्रेणी का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर बच्चों कौन से होते हैं, जहां पर n की वैल्यू 2, 3, 4 ये चलती चलती इंफिनिटी तक से निम्न ऊर्जा स्तर लाइमन श्रेणी के लिए होता है n = 1 में कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करे तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा की श्रेणी लाइमन श्रेणी होती है। यह है बच्चों लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी में क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में। निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा, n = 1 वाला। उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा, n = 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। वाह, 2, 3, 4, 5 से 1 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जो स्पेक्ट्रमी रेखा की श्रेणी बनेगी वो होगी लाइमन श्रेणी। अब मैं बात करता हूं बच्चों बाम्मर के बारे में। सेम, इसमें उच्च ऊर्जा स्तर n, इसे n2 नाम देता हूं मैं, इसे n1, n = 3, 4, 5 इस तरीके से निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा बच्चों, n1 = 2। इसमें अगर कोई संक्रमण कर रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर n2 = 3, 4, 5 से निम्न ऊर्जा स्तर n = 2 में कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण करे तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा की श्रेणी बाम्मर श्रेणी होगी। ठीक है बच्चों, अब मैं अगर बात करता हूं पाश्चन श्रेणी की, इसमें क्या होगा, n2 = 4, 5, 6, 7 यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है निम्न ऊर्जा स्तर n1 = 3 में तो फिर क्या होगी, वो पाश्चन श्रेणी होगी। अगर मैं बात करूं ब्रैकेट की, जब हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर n2 = 5, 6, 7 यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर
N1 इज इक्वल टू 4 में संक्रमण करें। लास्ट बात आती है बच्चों फुंड श्रेणी की कि जब हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तर N2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 यहां से अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करे तो स्पेक्ट्रमी रेखा की जो श्रेणी होगी वो फुंड श्रेणी होगी। यहां पर बच्चों आपको एक चीज क्लियर हुई है कि लाइमन श्रेणी सबसे पहली श्रेणी है तो उसके लिए N1 की वैल्यू 1 आएगी, N2 1 से ऊपर रहेगा। बामर श्रेणी बच्चों दूसरी श्रेणी है तो इसके लिए N1 रहेगा 2 और N2 रहेगा 2 से ऊपर वाली वैल्यूज। पाश्चन श्रेणी बच्चों तीसरी श्रेणी है तो इसके लिए N1 रहेगा 3 और N2 रहेगा 3 से ऊपर वाली वैल्यूज। ब्रैकेट श्रेणी चौथी श्रेणी है तो इसके लिए N1 रहेगा 4 और N2 रहेगा 4 से ऊपर वाली वैल्यूज। फुंड श्रेणी पांचवी श्रेणी है तो उसके लिए N1 रहेगा 5 और N2 रहेगा 5 से ऊपर वाली वैल्यूज। ये थी बच्चों हमारे पास स्पेक्ट्रमी रेखा की श्रेणियां। अब इन चीजों को एक एग्जांपल से और समझते हैं, यहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये मैं कुछ एक ऊर्जा स्तर आपके सामने बना रहा हूं, देखना इनको, ये कुछ एक ऊर्जा स्तर है। ठीक है, ये बच्चों मैंने ना यहां पर कुछ एक ऊर्जा स्तर बनाए हैं। ये सबसे पहला है जहां पर n की वैल्यू 1 है, यहां पर n की वैल्यू 2 है, इसमें n की वैल्यू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, 7, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर मैं यहां की बात करूं बच्चों, जब n इज इक्वल टू 1 हो इट मीन्स वहां पर ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, EN1, और वहां की ऊर्जा कितनी होती है आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं EN2 की बात करूं तो बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं EN3 की बात करूं बच्चों तो वहां पर होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बच्चों EN4 की बात करूं तो वहां पर होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है बच्चों EN5, यह है EN6, यह है EN7, यह है ई इन्फिनिटिव जहां पर जीरो होती है। अब यहां पर इन ऊर्जा स्तरों के अंदर हम समझेंगे इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को। देखिए कैसे इन चीजों को यहां पर सारी चीजें क्लियर करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर, लाइमन श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले लाइमन श्रेणी के लिए आपको याद होगा बच्चों N1 की वैल्यू 1 होती है और N2 होते हैं 2 से सारी वैल्यूज। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर इन सारों से N1 में आ रहा है और उससे जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी वो लाइमन होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो N2 से N1 में आ रहा है, या फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो N3 से N1 में आ रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है वो N4 से N1 में आ रहा है, N5 से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, N6 से बच्चों को इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है, N7 से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, और इवन इन्फिनिटिव से भी अगर यहां पर आ रहा है, तो ये सारी की सारी जो अपने पास स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त हुई है इसे हम क्या नाम देने वाले हैं, लाइमन श्रेणी। ये सारी की सारी हमारी लाइमन श्रेणी है। लाइमन श्रेणी क्लियर हुई होगी बच्चों। अब मैं बात करता हूं बामर श्रेणी के बारे में। आपको पता है बामर श्रेणी के लिए निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, N=2 वाला, और उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं उससे बड़े। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो N=3 से N=2 में आ रहा है, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है बामर श्रेणी के लिए, या फिर N=4 से N=5 से N6 से N7 से और इवन N∞ से भी आ रहा है, तो उनके कारण जो हमें श्रेणियां मिलेगी उन श्रेणी को हम क्या बोलने वाले हैं, बामर श्रेणी कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये है वो जो अपन ने थ्योरी लिखी था ना, उसका मतलब ये है। यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर उसके लिए N=3 है, मतलब वो N=4 है से N=3 में आ रहा है, या फिर 5 से 3 में आ रहा है, तो अपने को कौन सी श्रेणी मिलेगी,
अपने को पाश्चन श्रेणी मिलेगी, कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, या फिर यहाँ से यहाँ N6 से N3 में, N7 से N3 में, N-infinitive से N3 में, तो यहाँ पर जो हमें श्रेणी मिलेगी वो होगी बच्चों कौन सी, पाश्चन श्रेणी होगी। ये क्लियर हुआ? इसके बाद में मैं बात करूंगा बच्चों ब्रैकेट श्रेणी के बारे में। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, उसके लिए कितना होगा, 5, 6, 7 से निम्न ऊर्जा स्तर 4 में आ रहा हो, कुछ इस तरीके से 6 से 7वें से या इन्फिनिटिव से यहां पर आ रहा हो, तो ये सारी कौन सी होगी बच्चों, ये श्रेणी जो है वो ब्रैकेट श्रेणी होगी। या फिर कुछ ऐसा हो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निम्न ऊर्जा स्तर 5वां हो, ये N=5, मतलब N=6 से N=5 में आके रुके, 7 से या फिर इन्फिनिटिव से आकर के रुके, तो ये श्रेणी जो बनेगी वो बच्चों वो होगी फुंड श्रेणी कहलाएगी। तो ये है बच्चों हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। आपने यहाँ पर इन श्रेणियों को बड़े आराम से समझा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइमन श्रेणी के लिए, तो लाइमन श्रेणी के लिए बच्चों आपको पता है, इस सारे को देख करके अपने को लाइमन श्रेणी के लिए क्या पता चल रहा है कि लाइमन श्रेणी के लिए N1 की वैल्यू तो कितनी है बच्चों, 1 है, लेकिन N2 कितना है उसके लिए, 2, 3, 4, 5, ये चलता चलता इन्फिनिटिव तक जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, इन्फिनिटिव से पहले में अगर आएंगे और वहां से जो श्रेणी मिलेगी वो लाइमन श्रेणी होगी। अब अगर मैं बात करूं बाम्बर श्रेणी के लिए, तो बाम्बर श्रेणी के लिए निम्नतम ऊर्जा स्तर होगा बच्चों N=2, और इसके लिए उच्च ऊर्जा स्तर रहेंगे बच्चों 3, 4, 5, 6, ये चलते चलते इन्फिनिटिव तक। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे में, या चौथे से दूसरे में, या पांचवें से, या छठे से, या इन्फिनिटिव से दूसरे में आ रहे हैं, और वहां से ये जो श्रेणी मिलेगी उसे हम बाम्बर श्रेणी कहेंगे। अगर मैं बात करूं पाश्चन के लिए, तो वहां के लिए N1 की वैल्यू रहेगी 3, मतलब निम्नतम ऊर्जा स्तर कौन सा रहेगा, वो रहेगा तीसरा, और यहां के लिए उच्चतम ऊर्जा स्तर की वैल्यूज होगी 4, 5, 6, ये चलते चलते इन्फिनिटिव तक। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आके रुकता है, पांचवें से तीसरे में, छठे से तीसरे में, या फिर इन्फिनिटिव से तीसरे में आके रुक रहा है, और हमें जो श्रेणी मिल रही है उसे हम कहेंगे पाश्चन श्रेणी। अगर मैं बच्चों बात करूं ब्रैकेट श्रेणी के बारे में, तो इसके लिए न्यूनतम ऊर्जा स्तर की मान होता है N=4, और उच्चतम ऊर्जा स्तरों का मान होता है 5, 6, 7, ये चलते चलते इन्फिनिटिव तक। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन पांचवें ऊर्जा स्तर से चौथे में आ रहा है, छठे से चौथे में, सातवें से चौथे में, या फिर इन्फिनिटिव से चौथे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो वहां पर जो हमें श्रेणी मिलेगी वो होगी ब्रैकेट श्रेणी। अगर मैं बात करूं फुंड श्रेणी की, तो इसके लिए न्यूनतम ऊर्जा स्तर का मान होता है बच्चों 5, और उच्चतम ऊर्जा स्तरों के मान होते हैं 6, 7, इस तरीके से इन्फिनिटिव तक। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन छठे ऊर्जा स्तर से पांचवें में आ रहा है, सातवें से पांचवें में आ रहा है, या फिर इन्फिनिटिव से भी पांचवें में आ रहा है, तो हमें जो स्पेक्ट्रम में रेखाओं की श्रेणी मिलेगी वो कौन सी होगी, वो फुंड श्रेणी होगी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।